तो गाइज आज के समय में क्या कोई अपनी प्राइवेट ट्रेन खरीद सकता है या प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना सकता है? नहीं। ये लेकिन ये कर दिखाया 100 साल पहले रामपुर के नवाबों ने, जो अपनी प्राइवेट ट्रेन खरीदी और प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना। जब अंग्रेजों ने उन्हें मना कर दिया कि आप लोग हमारी ट्रेन में सफर नहीं करेंगे, तो रामपुर के नवाबों ने अपनी प्राइवेट ट्रेन मंगाई, दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन, 100 साल पहले लग्जरी ट्रेन मंगाई। ये देखिए, ये ऐतिहासिक है। ये पूरा रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, और ये जो ट्रेन देख रहे हो ये भी ऐतिहासिक है। बहुत ही लग्जरी ट्रेन, जो 100 साल पहले इतनी लग्जरी ट्रेन मंगा ली रामपुर के नवाबों ने, और अंग्रेजों की फाड़ दिए, फिल्टर फाड़ दिए उनके दिखाकर कि ये देखिए हमारी प्राइवेट ट्रेन। अंग्रेजों ने उन्हें कहा कि आप हमारा रेलवे ट्रैक तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारी ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपनी प्राइवेट ट्रेन मंगाई, और अपना ये लग्जरी रेलवे स्टेशन उस टाइम का, उस दौर का बहुत ही लग्जरी रेलवे स्टेशन है दोस्तों। ये देखिए पूरी ट्रेन अपनी ऐतिहासिकता को दर्शा रही है। ये 100 साल पुरानी लग्जरी ट्रेन, देखिए खिड़की इसकी कितनी प्यारी प्यारी सुंदर खिड़कियां हैं, और बड़े बड़े शीशे हैं, और अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें फर्नीचर बहुत ही लग्जरी फर्नीचर रखा हुआ है, और लग्जरी पर्दे आज भी ऐसे के वैसे ही टंगे हुए हैं। मैं उस साइड से कुछ, इस खिड़की के कांच टूटे हुए हैं इस ट्रेन के, तो उधर से आपको दिखाऊंगा कि कितनी लग्जरी ये ट्रेन थी। तो दोस्तों ये कारनामा कर दिखाया था रामपुर के नवाबों ने, नाक काट दी थी अंग्रेजों की उस टाइम पे इन्होंने। देखिए लिखा हुआ है कि प्राइवेट, और वो भी मना करते होंगे कि अंग्रेज हमारी ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। तो गाइस देखिए कैसे कैसे महान लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं। और ये आप पीछे देख रहे हो, ये पीछे सरकारी ट्रैक, और ये प्राइवेट संपत्ति है। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है कि नवाबों की अपनी प्राइवेट संपत्ति है। तो गाइस देखिए इस पे लिखा हुआ है, ये नवाबों की अपनी, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, पॉज करके देखिए, नवाबों की अपनी प्राइवेट संपत्ति है। ये पूरा का पूरा ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन, जो शायद ही आज तक आपने देखा हो, और कहीं आप ऐसा प्राइवेट रेलवे स्टेशन होगा भी नहीं शायद। देखिए है ना ज़बरदस्त। और चलिए अब आपको अंदर से दिखाता हूँ इस ट्रेन का लग्जरी फर्नीचर और लग्जरी इंटीरियर्स की, 100 साल पहले की लग्जरी ट्रेन। और गर्व की बात तो यह है कि उनकी ये प्राइवेट अपनी पर्सनल ट्रेन थी, जो आज भी वैसी की वैसी ही यहाँ पर खड़ी हुई है। ये देखिए दोस्तों लिखा हुआ है प्राइवेट, हर खिड़की पर लिखा हुआ है प्राइवेट, ताकि अंग्रेज इस ट्रेन में ना घुस सके। और कुछ गरीब लोग बेचारे, उन्होंने अपना यहाँ पर आशियाना बनाया हुआ है, यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए एक पूरी फैमिली रह रही है यहाँ पर, और इसकी छत देखिए, टीन शेड आज भी वैसे ही पड़े हुए हैं। और यहाँ पर से आते होंगे नवाब अपने स्टेशन पे। और ये रामपुर स्टेशन का बोर्ड, और ये रेलवे स्टेशन रामपुर का जो बाद में बना है, और ये जो नवाबों ने अपना रेलवे स्टेशन निजी बनाया था, वो ये रेलवे स्टेशन यहीं पर है। ये देखिए दोस्तों इस ट्रेन में एसी की भी सुविधा थी। ये देखिए उस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा लग्जरी इंटीरियर इस ट्रेन का। गाइस पेंट भी आज तक वैसा का वैसा ही है। ये देखिए इतनी लग्जरी ट्रेन नहीं देखी होगी आपने, अगर ये तो वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप मेरी नज़रों से देखोगे, देखिए अंदर कितना फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है इसमें, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है। ये देखिए कीमती सामान आज भी ऐसे का वैसे ही अंदर रखा हुआ है। तो ये नवाबों के ठाट हुआ करते थे। और ये घास फूस जम गया है इस रेलवे स्टेशन पर और इस ट्रेन पर। ये अब ट्रेन के अंदर दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिस्से टूटे हुए हैं, अंदर से दिखाते हैं कितना लग्जरी ट्रेन है ये। यहाँ से झांक के दिखाएंगे आपको। ओए ओहो, ये देखिए गाइस
अंदर टॉयलेट वगैरह भी। देखिए ये पूरा लग्जरी ट्रेन था, और ये देखिए पर्दे, वो पर्दे भी आज भी ऐसे के वैसे ही लगे हैं। और अंदर से देखिए कितनी लग्जरी है, अंदर से देखिए कितनी लग्जरी है ये अभी। और गाइस ये देखिए, और देखिए गाइस इसके एसी के कंप्रेसर भी, और देखिए गाइस इसके एसी के कंप्रेसर भी नीचे लगे हुए हैं। मतलब ये फुल एसी गाड़ी थी। ये देखिए एसी का कंप्रेसर लगा हुआ है, ज़बरदस्त 100 साल पहले की एसी ट्रेन। ये अब ट्रेन के अंदर दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिस्से टूटे हुए हैं, अंदर से दिखाते हैं कितना लग्जरी ट्रेन है ये। यहाँ से झांक के दिखाइए आपको, ओए ओहो। ये देखिए गाइस अंदर टॉयलेट वगैरह भी। देखिए ये पूरा लग्जरी ट्रेन था, और ये देखिए पर्दे, वो पर्दे भी आज भी ऐसे के वैसे ही लगे हैं। और अंदर से देखिए कितनी लग्जरी है, अंदर से देखिए कितनी लग्जरी है ये अभी। तो गाइस ये है देखो नवाबों का रेलवे स्टेशन, जो उन्होंने अपना प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनवाया था। ये देखिए आज भी ये 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन आज भी ऐसा ही खड़ा है। और इधर देखिए बाहर ये रोड चल रहा है, और ये है इनका रेलवे स्टेशन। इधर भी प्लेटफार्म बना हुआ है, पुराने ज़माने का प्लेटफार्म, ज़बरदस्त। इसका बाहर से पूरा व्यूज लेंगे, एक बार अंदर चल के देखते हैं। उस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा लग्जरी इंटीरियर इस ट्रेन का। और ये बाहर रोड चल रहा है, ये जो बरेली मुरादाबाद रोड पे ही ये रेलवे स्टेशन है। देखिए कितना लग्जरी था, यहाँ पर वो ठहरते होंगे, आराम वगैरह करते होंगे जब तक उनकी ट्रेन आती होगी। ये कमरे वगैरह बने हुए हैं, और ये दीवारों से बंद कर दिया है ये वाला गेट। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, या नवाबों को जो उनकी औलादे हैं, कि इसकी रख रखाव इसका सही करें। क्योंकि बहुत ही जर्जर हालत में होता जा रहा है ये। इधर से दिखाते हैं आपको बाहर से क्या व्यूस आ रहा है इसका। ओहो ये देखिए कैसे टूट टूट गिरता जा रहा है। ये देखिए दोस्तों कितना आलीशान है ये रेलवे स्टेशन। और देखिए यहाँ पर अंदर, यहाँ से नवाब जाते होंगे, इस गेट से नवाब एंट्री करते होंगे। देखिए अब यहाँ पर बंद कर दिया है इन्होंने, शटर लगा दिया है। तो यही वो गेट है जहाँ से नवाब आते जाते होंगे अपनी ट्रेन में। ये उनका मेन गेट था, और वो सारा पीछे जो मैंने आपको दिखाया ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म था। और देखिए बंद हुए हैं ताले। ये देखिए इस ऐतिहासिक कारीगरी को, ये देखिए आप। और यहाँ पर कुछ लोग, गरीब लोग अपना गुजर बसर करते हुए, और ये मेन रोड चल रहा है। देखिए एक फव्वारा फाउंटेन भी था यहाँ पर, इस रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक फव्वारा भी था। देखिए इसमें पानी चलता होगा उस दौर में, है ना, ज़बरदस्त।